आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विधानमंडल का विशेष सदन सोमवार को आहूत किया जा रहा है। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियां शनिवार को दिन भर चलती रही। विधान भवन और लोक भवन के सामने वाली सड़क पर रंग रोगन कराया गया। राष्ट्रपति रविवार देर शाम लखनऊ आ जाएंगे, रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को राष्ट्रपति की फ्लीट लगभग 10:30 बजे राजभवन से विधान भवन के लिए निकलेगी। विधान भवन के पोर्टिको में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधान परिषद सभापति मानवेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ ही सभी पार्टियों के विधानमंडल दल के नेताओं द्वारा राष्ट्रपति का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद ठीक 11 बजे राष्ट्रपति विधानसभा मंडप में पहुंचेंगे। यहां वह संयुक्त सत्र में विधानमंडल सदस्यों को मार्गदर्शन देंगे। राज्यपाल, विधान परिषद सभापति, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का भी संबोधन होगा। 1 घंटे विधानसभा में रहने के बाद राष्ट्रपति की राजभवन में वापसी होगी। राष्ट्रपति के सम्मान में दोपहर का भोजन राजभवन में ही रखा गया है। सोमवार देर शाम राष्ट्रपति की लखनऊ से वापसी है। राष्ट्रपति के लखनऊ आगमन पर राजभवन और विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर रविवार और सोमवार को शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। यह जानकारी DCP ट्रैफिक सुभाष चंद्र साक्य ने दी। रविवार को छोटे वाहनों की डायवर्जन व्यवस्था इधर नहीं जा सकेंगे। अमौसी VIP मोड़ से एयरपोर्ट की ओर आने वाले वाहन बैरियर, तिराहे से VIP गेट की ओर, बंदरियाबाग चौराहे से वाहन राजभवन की ओर, पार्क रोड चौराहे से वाहन DSO की ओर इधर से जा सकेंगे। DCP ट्रैफिक ने बताया कि अगर अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग पर जाम लगा है तो इस स्थिति में एम्बुलेंस जिसमें मरीज हो और जाम में फंसा हो, इस स्थिति में संबंधित व्यक्ति को ट्रैफिक कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सूचना देनी होगी। सूचना मिलते ही ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित मार्ग से ट्रैफिक पुलिस निकलवा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।